कड़ी सुरक्षा और करारे ठंड के बीच जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव का पहला फेज शुरू हो गया है। कई इलाकों में वोटिंग की रफ्तार धीमी देखी गई, लेकिन शोपियां जिले के करेरवा इलाके में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी उत्साह देखा गया। तो वही दूसरे फेज में होने वाले चुनाव को लेकर गैर भाजपा कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया है कि उन्हें बंधकों की तरह रखा जा रहा है और उन्हें चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में यह पहली बार है जब राज्य की 6 प्रमुख पार्टियां एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद इन पार्टियों ने मिलकर गुपकार अलायंस बनाया है। इनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस तो वही महबूबा मुफ्ती की अनुवाई वाली पीडीपी के अलावा सज्जागानी लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट और मकपा की स्थायी इकाई शामिल है। इनके सामने भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में हैं। मौजूदा राजनीतिक समीकरण के अनुसार गुपकार अलायंस कश्मीर में मौजूद है, जबकि भाजपा की स्थिति जम्मू में काफी मजबूत है। पहले फेज की वोटिंग में आज करेरवा के एक वोटर ने कहा कि यह दूरदराज का इलाका है, हम अपने इलाके के विकास के लिए वोट डालने आए हैं। दूसरे वोटर ने कहा, अब तक हमसे सिर्फ वादे किए जाते थे, लेकिन इस बार हम जमीनी स्तर पर विकास के लिए वोट डालने आए हैं, पहली बार वोट डाल रहे हैं। शौकत अहमद ने कहा कि हमारी पहचान का सवाल है, इसलिए मैं सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ वोट डालूंगा। पुलवामा के लीतर इलाके में 10 दिसंबर को वोटिंग होनी है। यहां से चुनाव लड़ रहे जावेद निरोला को भी ईडीआई कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। जावेद ने कहा, मुझे यहां जबरन रखा गया है, अपने इलाके में लोगों से मिलने से रोका जा रहा है, गुरुवार से यहां बंधकों की तरह रह रहे हैं। मैंने कहा था कि मैं अपने परिवार से अलग नहीं रहना चाहता, मुझे सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं है,